अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऊर शुमाइल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज पर कि इन इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम किस तरह सोशल स्टडीज़ को बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इन तमाम इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम किस तरह से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। आप लोगों को मैं जमात चहारुम और पंजुम में से कुछ उन्वानात देती हूँ। आपके लिए है सकाफत, आपके लिए तारीख और आपके लिए जुग्राफिया। आप ऐसा करेंगे, ये तमाम इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज हैं, इनको इनकी लिस्ट बनाएं कि आप इन उन्वानात को पढ़ाने के लिए इनमें से किस किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने इन रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या उन्वान दिया हुआ था आपको? मेरा उन्वान जमात चहारुम से सकाफत था और सकाफती लिबास और बहुत सारी सकाफत से रिलेटेड चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की, जैसे सकाफती लिबास, चारपाइयाँ जो पंजाबी कल्चर को जाहिर करती हैं, इसी तरह ये घड़ा पंजाबी कल्चर को जाहिर करता है, मुल्तानी जेवरात, मुल्तानी बर्तन, इस तरह से मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से सकाफत के बारे में जान सकते हैं कि हमारे यहाँ किस एरिए की कौन सी सकाफत है। यहाँ पर मैं इस बात की वजाहत करती चलूँ कि अगर आप इन तमाम इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे सोशल स्टडीज़ के टॉपिक पढ़ाने में, तो आप सोशल स्टडीज़ की इंफॉर्मेशन को बहुत ईजी बना सकते हैं बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा फन लर्निंग बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में ऐसे कॉर्नर क्रिएट करें जिन कॉर्नर्स में आप इन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें और इनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।